जलसे में कि हम कोई बड़ा ऐलान करेंगे और आज वो बड़ा ऐलान होगा अली अमीन आके करेगा, इमरान खान का पैगाम देगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं वो पैगाम पंजाब के लिए खास तौर पर जरूरी है। पंजाबियों तैयार है क्या? पंजाबियों मैदान लगे लगे तैयारी फड़ो। साडा शेर जरा डियाला है उन्हें साबित करना है कि पूरा पंजाब पूरे पंजाब के शेर इंशाल्लाह ताला खून दे आखिरी कतरे तक तेरे पीछे खड़े होंगे। मेरे दोस्तों साथियों मैं आपको आज ये जलसा का ये रुकावटें ये सब किस चीज की गवाही देती है? ये सब गवाही देती है कि हुक्मरान खौफ सदा है। हुक्मरान किससे खौफ सदा है? हुक्मरान आपसे खौफ सदा है। हुक्मरान मेरे से खौफ सदा है। हुक्मरान हम सबसे खौफ सदा है क्योंकि उनको आवाम की हमायत हासिल नहीं है। सबसे बढ़ के हुक्मरान इमरान खान से खौफ सदा है। लेकिन इमरान तो होगा, इमरान तो होगा, कौन बचाएगा पाकिस्तान? तेरी शान मेरी शान। मेरे दोस्तों साथियों मैं इन ताकत के ईमानों को बताना चाहता हूं, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी जाली ताकत जो डंडे के जोर पे कायम है, जो इलेक्शन कमीशन के फ्रॉड पर कायम है, जो अदालतों को हरासा करके कायम है, वो अगर आज तक सिर्फ कायम है तो उसकी एक वजह है, सिर्फ एक वजह कि इमरान खान कानून आईन जमहूरियत और अमन में यकीन रखता है। और ना जितनी जिम्मेदारी और किसी पर नहीं, मौजूदा हुक्मरानों पर, मुसल्लत हुक्मरानों पर आती है, उन चंद चेहरों पर आती है जो ना मुंतखब होते हैं ना किसी को जवाबदेह होते हैं, जो हुकूमतें बनाते हैं, जो हुकूमतें गिराते हैं, जो पार्टियां तोड़ते हैं, जो लोगों को तशद्दुद करते हैं, जो साल साल लोगों को बेगुनाह रखते हैं। ये वो जालिम है जिनके खिलाफ आज पूरी आवाम जो है वो यकसा एहतजाज कर रही है। देखो इनके चेहरे, देखो इनकी आंखें, ये वो लोग हैं जो अफरा तफरी नहीं चाहते, जो इंतशार नहीं चाहते, ये इस मुल्क में कानून आईन और जमहूरियत की हुक्मरानी चाहते। तो वो कौन सी कुवतें हैं जो इस मुल्क में जमहूरियत आईन और कानून की हुक्मरानी नहीं चाहती? ये वही कुवतें हैं जिन्होंने इस नालायक मुसल्लत हुक्मरानों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। मेरे दोस्तों साथियों मैं पंजाब के जो हमारी कियादत आज भी जेरे हरासत है, सबसे पहले मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को खराज तहसीन पेश करता हूं। मियां महमूदुर रशीद साहब, इजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहिबा, हमारी वो बहने जो उमर सरफराज चीमा साहब और हमारी वो बहने जो इतने अरसे जेल गुजारने के बाद आज सामने आई हैं, आलिया हमजा हमारे बीच में मौजूद है, आज आपसे बात करेगी। मेरे दोस्तों साथियों आज आप सब ने यह साबित कर दिया है कि कोई रुकावट आवाम को नहीं रोक सकती। हम जिंदा कौम है, हम फस्ताइयत को तस्लीम नहीं कर
करते, हम बर्बरियत को तस्लीम नहीं करते, हम फॉर्म 47 की चाली हुकूमत को तस्लीम नहीं करते और खून के आखिरी दम तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। इंशाल्लाह ताला इस मुल्क को आजाद कराएंगे, इमरान खान को आजाद कराएंगे। कौन बचाएगा पाकिस्तान? तेरी शान मेरी शान। और आखिरी नारा जरा ऐसे लगाना है कि ये मुसल्लत हुक्मरानों के घरों तक आवाज जाए, इन गिरती हुई दीवारों को, इन जुल्म के हुक्मरानों को, इस फस्तायत की निजाम को, तेरी शान मेरी शान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।